प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग आज देखेंगे नया टॉपिक आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के बारे में हम लोग देखेंगे कि ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ है और द का यूज कहाँ है, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जस्ट देखेंगे ए और एन का यूज, द का यूज हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल के कितने टाइप है? दो। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल के भी दो टाइप है, कौन कौन से? ए और एन। और डिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द। द को हम लोग क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। और ए एंड एन को हम लोग क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल। क्यों कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल बताइए? ए एंड एन आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे आर नॉट यूज to refer to any particular person, place or thing। क्या मतलब हुआ? हम लोग ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? अनिश्चित आर्टिकल। इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित। क्यों कहते हैं? क्योंकि ए और एन का यूज किसी खास पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए हम लोग नहीं करते हैं। इसका यूज इन जनरल होता है, इन जनरल होता है किसी खास व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए या जगह के लिए हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ओके। कहाँ करते हैं ए का यूज? आइए देखते हैं। ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच है अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? पहला सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए और वो नाउन होना चाहिए। और एक और कंडीशन क्या है? क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। सिंगुलर समझते हो ना आप लोग? जिसकी संख्या एक हो उस पर सिंगुलर कहते हैं। काउंटेबल समझते हो ना? जो गिना जा सके, पेन को गिन सकते हैं ना, टेबल गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, ठीक है, उसको काउंटेबल कहते हैं। गिना जाने वाला जो वस्तु होता है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, तो नाउन होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और कंडीशन क्या है? कौन सा साउंड होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं बताइए? आइए देखिए क्या होता है कॉन्सोनेंट साउंड। हम लोग जो लिखते हैं ना, ओ आ ई ई ये सब, ठीक है, तो ओ आ जो लिखते हैं ये सब क्या होता है? ये जो होता है हमारा वावेल साउंड होता है, वावेल साउंड, ठीक है। और क ख ये सब, च छ ये सब जो होता है कहां तक, य र ल ये सभी जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। क्या समझे हम लोग? ओ आ जो भी है होता है ये क्या होता है? वॉवेल साउंड होता है, ओ आ ई ई उ, ठीक है, छोटी उ बड़ी उ ऐसे करके होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं वॉवेल साउंड। और क ख च छ ट ठ ये सब जो होता है, य ल ल व ये सब क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो कोई भी नाउन जिसकी संख्या क्या हो? सिंगुलर, यानी एक हो, काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। और वो नाउन तो होगा ही। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स क ख व घ च छ ये सब जो साउंड होगा, इसके अगर स्टार्ट होगा तो इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए, ठीक है। और अगर वो सिंगुलर हो, काउंटेबल भी हो, नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, और अगर उसका साउंड अगर क्या हो, वॉवेल साउंड हो, तो वॉवेल साउंड होगा तो क्या लगेगा? ए लगेगा। गॉट इट? कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगेगा, वॉवेल साउंड होगा तो ए लगेगा। गॉट इट? अब हम लोग समझ गए हैं कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। क ख ग घ जो होता है ये सब क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है।
आई ये सब क्या होता है, वॉवेल साउंड होता है। ये अ आई ई वाला जो भी होता है, ये जो भी होता है इसका ग्रुप, इसको छोड़कर बाकी जो भी होता है सब कुछ वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। गॉट इट। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कब ए का यूज करेंगे और कब एन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ए कैप, अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको पढ़ेंगे ना कैप। तो देखिए तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉस से स्टार्ट हो रहा है ना, ये सिंगुलर है ना कैप, कैप सिंगुलर है ना, कैप प्लूरल होता है, कैप तो सिंगुलर होता है, ठीक है। काउंटेबल है ना, कैप को गिन सकते हैं ना, दो चार दस कैप रख दिया जाए तो आप गिन लोगे ना, तो ये सिंगुलर है काउंटेबल, ठीक है, नाम तो है ही। अब देखिए इसका साउंड कौन सा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, क, क साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट होगा, सिंगुलर है काउंटेबल है, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो गया तो ए लगेगा, अगर साउंड वॉवेल हो गया तो एन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड क्या हो गया, कैप, कैप क आ रहा है, कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ओके। चलिए अब देखिए आप पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताइए ये क्या है, पेर, पेर ऐसे ही दिखेंगे ना, देखिए तो ये प है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प से, ओवा से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, ओवा से स्टार्ट होता तो वॉवेल साउंड होता, ओवा से नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, प से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड जब हो जाएगा तो ए लगाएंगे, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, ये भी करेक्ट है। चलिए टेबल, टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टॉस से, टेबल टॉस से स्टार्ट हो रहा है, तो टॉस से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाम तो है ही और कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे ए लगाए हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए पेज, पेज प से तो स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट तो साउंड हो गया, लेकिन क्या ये सिंगुलर है, बताइए, पेज का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा ना, एक से ज्यादा होता है ना, तो ये सिंगुलर तो है नहीं, ये है प्लूरल, तो प्लूरल है, भले ही इसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, भले ही इसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, लेकिन है ये कैसा, प्लूरल साउंड, कैसा साउंड है, प्लूरल साउंड वाला, ठीक है, ये कैसा है, प्लूरल है, और साउंड कैसा है, भले ही इसका कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ये है क्या, प्लूरल, तो प्लूरल है और इसके आगे ए लगा है, तो ये नहीं होगा, सिंगुलर के साथ ए लगता है, गॉट इट, सिंगुलर के साथ ए लगता है। यहाँ पे देखिए बुक्स, साउंड कैसा है, बुक्स, ब साउंड है, साउंड तो ठीक है, कॉन्सोनेंट है, ये तो लगेगा, लेकिन क्या ये सिंगुलर है, नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या हो गया, यहाँ ए नहीं लगेगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं आकर दे दूं, वाटर, अब बताइए वाटर में तो वो आ रहा है, यार लॉ को क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड तो है, लेकिन क्या इसमें ए लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अब ये काउंटेबल नहीं है, अब ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या देखे हैं, कब लगता है ये, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर देखें कि ये सिंगुलर नहीं था तो गलत हो गया, यहाँ ये क्या है, काउंटेबल नहीं है, पानी को तो गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, ये काउंटेबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फाइन। अब देखिए और यहाँ क्या लगेगा, और यूनिवर्सिटी, अब यहाँ देखिए भले ही यहाँ यू है, लेकिन क्या इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहां पे बताइए ये कौन सा साउंड है, य, य अ में तो नहीं आता है, य तो वॉवेल साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, य,
यह कॉन्सोनेंट साउंड है, देखिए यहाँ पे यह कॉन्सोनेंट साउंड है ना, यह कॉन्सोनेंट साउंड है, तो भले ही यहाँ पे यू है लेकिन इसी आगे ए लगेगा या एन लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है लेकिन इसका साउंड जो है वो वॉवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि साउंड यहाँ से कैसे कैसे से स्टार्ट हो रहा है, य से, तो य से साउंड स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ पे ए सही है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है तो ए लगा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत नहीं है, ये क्या है सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म, यहाँ पे यू आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है ना, य आ रहा है, तो य से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, तो यहाँ भी ए करेक्ट है, ओके। अब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो हो गए हैं, ठीक है, अब क्या हो वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड होगा तो वो क्या हो जाएगा एन लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो यू था तो ए लगा, लेकिन यहाँ यू है तो एन लगा, क्यों क्यों एन लगा है, क्योंकि इसका साउंड क्या है वॉवेल साउंड है, इसको क्या पढ़ते हैं अम्ब्रेला पढ़ते हैं ना, अम्ब्रेला पढ़ते, देखिए ओ आ रहा है ना, ओ आर ई ई को हम लोग क्या कहते हैं वॉवेल शब्द कहते हैं ना, तो ये वॉवेल शब्द यहाँ आ रहा है, तो ये एन बिल्कुल करेक्ट है, एन लगेगा, ओके गॉट इट। यहाँ यू जो था यू साउंड आ रहा था, तो यहाँ क्या लगा ए लगा, लेकिन यहाँ जो यू है वो क्या लगा है ओ साउंड आ रहा है, ओ साउंड आ रहा है, यानी वॉवेल साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ गया तो यहाँ एन लग गया। अब देखिए ये क्या है ऑरेंज, ओ आ रहा है ना, ऑरेंज आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ओ आ गया, ओ किसी में आता है, ओ आ ई ई वाले में आता है ना, तो ये कौन सा साउंड हो गया वॉवेल साउंड हो गया, वॉवेल साउंड हो गया तो यहाँ क्या क्या लगेगा एन लगेगा, तो ये सेंटेंस ये जो है एन बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलिए इसमें क्या आ रहा है एलिफेंट, एलिफेंट आता है ना, ए आ रहा है ना, तो क्या हो गया ये भी क्या हो गया वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड हो गया तो यहाँ पे भी क्या लगेगा एन लगेगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे आई ए, इसको क्या पढ़ते हैं ए, एक पढ़ते हैं ना, ए आ रहा है ना, ये भी वॉवेल साउंड है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ भी एन लगेगा। अब बताइए आई ए, ये सही है एक एक, अब यहाँ पे देखिए साउंड तो क्या है ए है, यानी वॉवेल साउंड है, तो एन लगेगा, लेकिन क्या एन लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है सिंगुलर होना चाहिए था, यहाँ प्लूरल है तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब बताइए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हावर पढ़ते हैं या आवर पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं ना, आवर आवर पढ़ते हैं ना, देखिए तो साउंड क्या आ रहा है, आ वाला साउंड आ रहा है ना, आ साउंड आ रहा है, तो ये भले ही ए से स्टार्ट हुआ लेकिन इसका साउंड क्या है आ, ऐसा क्यों होता है क्योंकि एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है तो एच को छोड़कर पढ़ते हैं, ओ यू आर, तो क्या हो गया आवर, आवर हो गया, साउंड क्या आ गया कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे वॉवेल साउंड में क्या लगता है एन लगता है, तो ये करेक्ट है, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको हॉर्नर पढ़ते हैं या ऑनर पढ़ते हैं, इसको ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए ओ आ रहा है, भले ही यहाँ एच लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसका उच्चारण नहीं करते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं आ ऑनर, ओ एल ओ यू आर ऑनर, ठीक है, इसीलिए इसका साउंड का क्या से स्टार्ट हो रहा है वॉवेल साउंड से, साउंड वॉवेल है तो क्या लगेगा एन लगेगा, तो यह एन बिल्कुल करेक्ट है, गॉट इट। तो क्या समझे हम लोग, ए का यूज कहा होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कौन सा साउंड कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो एन लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉवेल साउंड होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगेगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉवेल साउंड होगा तो एन लगेगा, ओके।
चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एंड. रघु इज डैश इंजीनियर. यहाँ इंजीनियर क्या है, कौन सा साउंड हो गया, साउंड कौन सा हो गया, वावेल साउंड. ठीक है, इंजीनियर सिंगुलर है, एक ही है, काउंटेबल है, कह सकते हैं इंजीनियर को. तो इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा. ओके, माय ग्रैंडफादर बॉट डैश जैकेट फॉर मी. अब यहाँ ए लगेगा या एन लगेगा बताइए. जैकेट जो जो कहाँ आता है, चा में आता है ना, तो ये तो क्या है, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है. सिंगुलर काउंटेबल तो है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसमें क्या लगेगा, ए. कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है. आई हैव डैश अमेरिकन फ्रेंड. यहाँ पे बताइए ए लगेगा या आ लगेगा. अमेरिकन ओ ओ आ रहा है ना, ओ साउंड क्या होता है, वॉवेल साउंड होता है. तो यहाँ पे वॉवेल साउंड हम लोग ए लगाते हैं या आ लगाते हैं, वॉवेल साउंड में आ लगाते हैं. तो क्या हो गया, आई हैव एन अमेरिकन फ्रेंड. स्विट्जरलैंड इज डैश यूरोपियन कंट्री. इसको क्या कहेंगे, यूरोपियन या यूरोपियन या यूरोपियन में यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो भले यहाँ ई है लेकिन यहाँ लगेगा ए. ओके चलिए, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. इसको क्या करते हैं, ऑनेस्ट ओ ओ क्या है, वावेल साउंड है. वावेल साउंड पर यहाँ क्या आएगा, एन आएगा. ओके एन आएगा. ओके तो ये था हमारा कब ए का यूज करेंगे, कब एन का यूज करेंगे. सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा, वॉवेल से, तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट से होगा तो ए लगेगा. आई होप आपको ये ए और एन का यूज समझ में आया होगा. ओके थैंक यू.